गुड मॉर्निंग दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। मंगलवार को US मार्केट्स में तीनों बड़े इंडाइसेस में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। नैसडेक 3.3% गिरा, S&P 500 2.1% गिरा और डाओ जो है 1.5% गिरा। ये गिरावट इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट के रिपोर्ट के बाद हुई, जो अगस्त में US मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगातार गिरावट को दिखाती है। दोस्तों, S&P 500 अपने 20-day EMA के नीचे गिर गया, जो बेरिश आउटलुक दिखाता है। अगर ये इंडेक्स 50-day EMA जोन दैट इज़ 5490 और 5470 के नीचे सस्टेन करता है तो और सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जो इस इंडेक्स को शॉर्ट टर्म में 5400 तक ले जा सकता है। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल के बारे में बात करें तो ब्रेंट ऑयल ने मंगलवार को अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और $74 के नीचे क्लोज हुआ, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था। ये गिरावट ओपेक के प्रोडक्शन इंक्रीज और चाइना में लगातार इकोनॉमिक वीकनेस के चलते हुई। आने वाले दिनों में ब्रेंट के $70 लेवल तक गिरने की संभावना है। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स 101.77 पर 0.13% के गेन के साथ बंद हुआ। 20-day EMA जोन 101.9 और 101.95 इस इंडेक्स के लिए तुरंत हर्डल का काम करेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तीसरे दिन तक निफ्टी इंडेक्स ने एक नैरो रेंज में कन्फाइंड रहा है। मंगलवार को ये सिर्फ 86 पॉइंट्स के रेंज में रहा और लगभग अनचेंज्ड क्लोज हुआ, जो हायर लेवल्स पर बुल्स की कमज़ोर कन्विक्शन को दिखाता है। दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए 25,100 और 25,080 का जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 25,080 के नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट हमें 25,000 और 24,980 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ऊपर की तरफ 25,310 और 25,330 का जोन इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। अगर इंडेक्स 25,330 के ऊपर सस्टेनेबल मूव करता है तो शॉर्ट टर्म में ये 25,420 के बाद 25,500 के लेवल तक भी शार्प अपसाइड रैली दे सकता है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स ने फ्लैट नोट पर क्लोज किया और करंट नेक्स्ट और फास्ट सीरीज का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 1% से बढ़ गया है। दोस्तों, निफ्टी में 10 स्टॉक्स ने लॉन्ग बिल्टअप देखा और 10 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली हुई। वही 16 स्टॉक्स ने शॉर्ट बिल्टअप और 14 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई है। दोस्तों, 25,300 के स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसके बाद 25,500 स्ट्राइक आता है। पुट साइड की बात करें तो 25,200 पर सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट है, जिसके बाद 25,000 स्ट्राइक आता है। दोस्तों, वीकली सीरीज के लिए OIPCR 0.98 पर है और मैक्स पेन जो है 25,250 के स्ट्राइक पर है। वही सितंबर मंथली सीरीज के लिए OIPCR जो है 1.49 पर है। दोस्तों, हमने बात की निफ्टी के बारे में, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। मंगलवार को बैंक निफ्टी ने मेजर इंडाइसेस को काफ़ी आउट परफॉर्म किया। 0.49% से ऊपर चढ़कर 51,600 मार्क के ऊपर क्लोज किया है। डेली चार्ट एक बुलिश कैंडल दिखाता है, जिसमें प्रोमिनेंट लोअर शेडो है, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट को दिखाता है। ICICI बैंक ने इस परफॉर्मेंस को ड्राइव करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए 51,350 और 51,300 का जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 51,300 के नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट हमें 51,000 और 50,900 के लेवल के जोन में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ देखें तो अगर इंडेक्स 51,700 के ऊपर सस्टेनेबल मूव करता है तो शॉर्ट टर्म में ये 52,100 के लेवल तक शार्प अपसाइड रैली दिखाएगा। डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.36% से ऊपर क्लोज हुई और करंट नेक्स्ट और फार सीरीज का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 0.36% से बढ़ गया है। दोस्तों, 52,000 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 52,500 पे है। पुट साइड पे देखें तो 51,500 पर सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट है, जिसके बाद 51,000 स्ट्राइक पर है। वीकली सीरीज के लिए OIPCR 1.09 पर है और मैक्स पेन 51,500 के स्ट्राइक पर है। वही सितंबर मंथली सीरीज के लिए OIPCR जो है 1.05 पर है। दोस्तों, अब बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। मंगलवार को वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 1% से स्लिप हुआ,
लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये 14.3 और 10.84 के रेंज में ऑसिलेट हो रहा है। इस रेंज के परे एक क्लियर ब्रेकआउट सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल मूव को ट्रिगर कर सकता है। यदि इंडेक्स नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है मंगलवार को एडवांसर्स के पक्ष में ही था। दोस्तों अब बात करेंगे ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक शॉर्ट टर्म में फ्रंटलाइन इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म करने की संभावना रखते हैं। वही निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करने की संभावना रखते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे FII DII डेटा के बारे में। कल FIIs और DIIs दोनों नेट बायर्स रहे हैं, जिसमें FIIs ने 1029.25 करोड़ और DIIs ने 1896.21 करोड़ की खरीदारी की है। FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 70.15 पर है, जहां नेट बेसिस पर उन्होंने 5217 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर FIIs ने 70,548 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर FIIs ने 209 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 429 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।